श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो होशी निष्वति होशियार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य के हृदय के प्रेम की बात चल रही है। कहते हैं दिल के सुख केते कहूँ जो हक दिल दरिया पूर्ण। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय के सुख की बात क्या करें, उनका हृदय है ना, तो वो प्रेम से भरा हुआ है, ऐसा हृदय है। सब अंग तावे दिल के, तो इससे ऐसा लगता है कि सारे अंग इस दिल के अधीन हैं। होशियार समय हिसाब इनका हिसाब तो परम धाम में होगा, दुनिया में नहीं हो सकेगा इनकी गिनती। तो ये कितना है क्या है ना, ये परमधाम में गिनती हो सकती है, दुनिया में पता ही नहीं चलता है। तो इन जुवा क्यों हो भाई, हक आदि सागर सुख। इसलिए इस दुनिया में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय के ये सुख के सागर, इस हृदय का वर्णन नहीं हो पाता है। ये बारीक सुख विचार सके, ये सूक्ष्म सुख हैं, ये तो परम धाम के ही हैं। होशी मूल मेले के मुख, मूल मेले के मुख कहने का तात्पर्य परम धाम में जागृत होने के पश्चात ही इसको समझ पाएंगे पूरा रूप, उस समय ख्याल आएगा। तो ये परम धाम में जागृत होने पर पता चलेगा, अभी तो बस है ये मान लो, ऐसे हैं वो हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। तो जागृत होकर के देखोगे तो पता चलेगा, अभी जितना भी बोलोगे तो ये पता नहीं चलेगा, जागृत होकर के देखने पर ही पता चलेगा। जो आ रहा था ऊपर काले वही सो सुख जाने एक श्रवण। जो बाहर का, बाहर से अर्थ लेंगे ना, बाह्य अर्थ, तो उसको तो उससे ये पता चलता है कि सो सुख जाने एक हक श्रवण। अक्षराते धामधनी का श्रवण इंद्रिय है, वही इस सुख को समझ सकता है ऐसा लगता है। एक एक के कई अनेक, एक एक के अनेक सुख हैं। सो कई गुण मगज लेवे मोमिन, तो ऐसे अनेक गुण हैं, एक एक गुण, एक एक इंद्रियों के बिना वो उसमें भी अपार सुख है। तो उनको, उन गुणों को ब्रह्मात्मा ग्रहण कर सकती है, उनके ब्रह्मात्मा ही अपने दिमाग में समझ सकती है, ऐसा कहना पड़ेगा। मगज लेवे का तात्पर्य वो समझ सकती है। कई अंग तावे कान के, कितने अंग कान के अधीन है। कान अंग सिरदार, तो लगता है कि कान को, कान के तरफ देखते हैं, कर्ण इंद्रिय के तरफ लगता है यही सबसे श्रेष्ठ है, हृदय की तरफ देखेंगे तो वही सबसे श्रेष्ठ लगता है। तो कहने का तात्पर्य परमधाम के कोई भी अंग है, राज्य के कोई भी अंग है, वो श्रेष्ठ ही है। परमधाम की कोई भी सामग्री दुनिया के हिसाब से तो सबसे अधिक श्रेष्ठ है। कोई हो शिरुआर शकी सो जाने की जान नहार, कोई परमधाम की आत्मा होगी तो वही जानने योग्य होगी, इसलिए वो समझ पाएगी इस बात को, वही समझ सकेगी। इल्म भी तावे कानों के, वैसे तो ज्ञान भी कानों के अधीन है, श्रवण उसके कर्ण के अधीन है। जो इल्म कया वे सक, तो ये ज्ञान जिसको संदेह मिटाने वाला ज्ञान तारतम ज्ञान कहा है, वो भी श्रवण के अधीन है, सुनेंगे तो ही पता चलेगा ना। ए झूठी जीमी सहरग से नजीक,
इन इल्मे पाइए इतह का इस झूमी झूठी जीवी में भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हृदय के मूल धमनी से निकट, इतना निकट हृदय और उसके मूल धमनी, तो उसमें कितने उसमें निकटता है, तो अति निकट है, तो उससे भी निकट परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं इस दुनिया में भी। तो इसी इल्म से, इन इल्म पाइए इतह का, इसी ज्ञान से यहाँ पर ऐसा अनुभव हो सकता है। तो इसीलिए वेदांत वगैरह में भी ना श्रवण इंद्रिय को महत्व कहा, श्रवण के इंद्रिय को एक्टिव रखो, बाकी के तरफ में ध्यान मत दो। तो श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषय भी हो निवर्तनम ऐसे बोलेंगे, श्रवण आदि से अतिरिक्त विषयों से उसको मन को हटा देना चाहिए, केवल सुनने में लगाना चाहिए। कई गुना है कानन के, कान के गुण कई हैं, जाके तावे दिलखा सम्मा, उनके अधीन दिल भी तो उनके अधीन है, वो सुनते हैं तो अक्षराते धामधनी, तो ब्रह्मात्माओं की बातों को अपने दिल में लेते हैं और फिर उनको पूर्ण कर देते हैं। ये तो वर्णन करने का एक तरीका है, क्यों सिफत कहो इन दिल की। अब इस दिल की महिमा की क्या बात करें, जिन दिल तावे हुकुम, जिस दिल के अधीन हुकुम है उनका आदेश, तो आदेश दिल के अधीन है और दिल श्रवण के अधीन है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये एक श्रवण के महत्व को बताने के लिए, दुनिया के हिसाब से देखें तो दिल ही महत्वपूर्ण होता है, और परमधाम में तो किसी को छोटा तो बोल ही नहीं सकते, कोई छोटा होता ही नहीं है। हुकुम इल्म तावे कान के, हुकुम और इल्म दोनों ही कान के तावे हैं। मेहर दिल तावे इसके, मेहर कृपा और हृदय ये प्रेम के अधीन है। क्यों कहूँ इनसे आगे वचन, उससे आगे की बात तो क्या बताएं। कानों तावे भय सागर, ये सभी श्रवण के अधीन हैं, सुनते हैं तो हमारी बात सुनेंगे, अक्षराते धामधनी तो हमें कुछ भी उत्तर देंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे ना, तो वो कानों से नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा। वैसे तो अक्षराते धामधनी तो दिल से भी सुनेंगे, परम धाम में तो क्या है, एक ही इंद्रिय है, उससे सब इंद्रियों का काम होता है, तो एक इंद्रिय में भी इतनी क्षमता होती है, इसलिए ये तो वर्णन के हिसाब से बता रहे हैं। तो ये सभी उसके, ये पूरा सागर ही है, ये श्रवण इंद्रिय के अंतर्गत आ गया। निकट सन सके आशी कहा का के एक अंग से, इस प्रकार से ये बताया इसलिए कि किसी एक भी अंग का चिंतन करती है आत्मा तो उससे वो बाहर निकल नहीं सकती। तीन अंग ताबे कई सागर, अरस रुए पड़ी इनमें, उस एक ही अंग के अंतर्गत उसके अधीन अनेक सागर हैं, सारे गुण उसी के अंदर आ जाते हैं, फिर उसमें से बाहर निकलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ना, इसलिए वो एक में ही लगी रहती है, फिर राज्य चाहेंगे तो दूसरे में भेजेंगे, इस तरह से समझाया। जो सागर कहे तावे कान के, जितने सागर कान के अधीन हैं, इन सागरों तावे कई सागर, उन सागरों के अधीन और कितने सागर हैं, एक सागर के अधीन अनेक सागर हैं, उनके अधीन अनेक सागर है, इस तरह से एक ही इंद्रिय हो, एक ही अंग हो, उसी के अंदर सहारा ही सुख मिल जाता है, तो फिर ब्रह्मात्मा को उससे तृप्ति हो जाती है, तो दूसरी तरफ कहाँ दृष्टि जाएगी, तो जाती ही नहीं है, उनके हिसाब से तो नहीं जाती है। किंतु अब राज्य को तो उनको सारे अंगों का अनुभव करवाना है ना, इसलिए वो उसके बाद में एक के बाद दूसरे का दर्शन करवाएंगे, दूसरे के बाद तीसरा के करवाएंगे, ये राज्य के ऊपर है। जो गुण देखो हका एक अंग याति रुव निकसे, क्यों करा, इसलिए अक्षराती धामधनी की एक ही अंग के गुण देखने लग जाती है तो आत्मा उसमें से निकल करके दूसरे अंग पर अंग तक पहुंच नहीं पाती है। जो गुण मैं कहती हूँ हका अंग गुण अपार,
हमने तो एक गुण की बात कही है, श्रीराज्य के अंगों में तो ऐसे अनंत गुण है, उनका कोई पारावारी नहीं है। अर सरु हैं गिने गुण अंग के, परमधाम की आत्माएं उनके अंगों के गुण गिन सकती है। सो गुण आवे न केवे सुमारा, तो उन गुणों का कोई पारावारी नहीं है, दुनिया में तो गिना नहीं जा सकता। और परमधाम में परमधाम के हिसाब से परमधाम की आत्माएं जागृत होने के पश्चात गिने तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते अभी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सुनो मोमिनो, एक ए गुण एक अंग ऊपर के कान। सुनो मोमिनो, एक गुण ए गुण हे आत्म ब्रह्मात्मा, इस एक गुण की बात आपको बताई ना यहाँ पर, वो एक उसको एक अंग ऊपर के कान, ऊपर से बताने के लिए आपको बाह्य एक श्रवण इंद्रिय की बात कही है, इसके गुण की बात कही है। अंग अपार कहे कई बातों न, उसके अंदर छिपे हुए तो और अपार गुण है, अपार अंग छिपे हुए हैं, तो एक ही अंग से अपार अंगों का लाभ प्राप्त होता है। अजु जुदे भूषण शुभान, इसी प्रकार से अजु का तात्पर्य अभी, जुदे भूषण शुभान उनके आभूषण की बात करेंगे तो एक ही, अब अभी तो गुण की बात कर रहे थे, अब आभूषण की बात करेंगे तो क्या होगा, तो आभूषण भी अलग अलग दिखने लग जाएंगे। जैसे एक ही अंग में अलग अलग अंगों का भाव दिखेगा तो उसी प्रकार से आभूषण भी दिखेंगे ना। जैसी सेवा शोभा देखो साहेब की, तैसी कानों पहने भूषण। अब वो बता रहे हैं कि जैसी शोभा देखो साहेब की, अक्षराते धामधनी की जैसी शोभा देखने की इच्छा होती है ब्रह्मात्मा को, तो उनके कर्ण में उसी प्रकार के आभूषण दिखाई देते हैं। आसमान जिमी के बीच में हो रही सबे रोशन, उस उन आभूषण का उस आभूषण का प्रकाश पूरे भूमि से लेकर के आकाश तक छाया हुआ रहता है। एक अंग में कई खूबियाँ, इस प्रकार एक एक अंग में कई खूबियाँ हैं। सो एक खूबी का ही न जाए, उनमें से एक विशेषता का भी वर्णन नहीं हो सकता। तीन खूबी में कई खूबियाँ, खूबी का अर्थ होता है विशेषता, उन एक विशेषता में भी असंख्य विशेषताएं, कई अनेक गिनती हो न ताए, उनकी तो कोई गिनती नहीं हो सकती। सो खूबियाँ भी अरश की, तो अब ये विशेषताएं भी परम धाम की है, दुनिया की नहीं है। सो खूबियाँ भी अरश की जाके कायम सुख अखंड, उनके सुख तो अखंड है, उनसे जो आनंद का अनुभव करते हैं वो कभी मिटने वाला नहीं है, कम होने वाला नहीं है। सो कायम सुख इत क्यों कहूँ, इस नश्वर जगत में अखंड सुख की बात कैसे हो पाएगी, कैसे कहूँ। ये जो जुआ इन पिंड, ये जुआ उस बात को बताने वाली ये जुआ है ना, ये भी इस नश्वर देह की है, इसलिए उससे उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता। क्यों वर्णन अर्श अंग को, इस प्रकार परमधाम के अंगों का वर्णन कैसे करें, वो संभव नहीं है। एक अंग में अनेक रंग, एक एक अंग में अनेक रंग है, कहने का तात्पर्य अनेक विशेषता है, जो देखो ताकि एक रंग को, उनमें से एक रंग एक विशेषता को देखेंगे तो तीन रंग रंग कई तरंग, उनमें एक में भी अलग अलग विशेषताओं के अलग अलग रंग की तरंगे दिखाई देने लग जाएगी। सो एक तरंग ना कह सको, उनमें से एक तरंग की भी बात करने लग जाए तो वो भी बता नहीं पाएंगे। एक तरंग कई किरण, उस एक तरंग में भी अनेक प्रकाश निकल, अनेक किरणें निकलती है उसमें से, जो देखो एक किरण को, उस एक किरण को देखने लग जाएंगे तो पार न पाऊँ गुण तीन, तो उसकी भी विशेषता या गुण कहने से विशेषता, उसके गुणों का भी पार नहीं पा सकते, उसमें भी एक में भी अब एक में भी कई किरणें दिखाई देगी और उसमें कई तरंग नहीं दिखाई देगी, इसलिए उसका कोई पारावार नहीं है। ये नमूना देता हूँ, ये तो एक उदाहरण दे रहे हैं। सो रूहें जानो जाने जो सिफत करत, जो ब्रह्म आत्माएं हैं इस विशेषता को समझती हैं,
तो वो इस बात को समझ जाएंगी। यथार्थ शब्द न पहुंचे, यथार्थ बात है उसको, उसके लिए दुनिया के शब्द नहीं पहुंच सकते। तो जुवा पहुंचे क्यों हकस्य पता, इसलिए ये जुवा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा के गायन करने में कैसे समर्थ होगी, तो पहुँच ही नहीं पाती। जो कबो कानों ना सुनी, जो कभी कानों से सुनाई नहीं है, सो सुन जीव गोते खाए, उसको सुन करके जीव है गोता खाने लग जाता है। ऐसी बातें अभी तक सुनाई नहीं दी थी ना, अब थोड़ी सी सुनी तो सुन करके उसी में खोने लग जाता है। दम ख्वाबी वाणी बे वाहिदत्त की, ये ख्वाबी दम है वाहिदत्त की वाणी, अद्वैत भूमिका के वचनों को सुन करके सुनते ही उड़ जाए, वो तो सुनते ही मिट जाएगा, इसलिए वो पूरी बातों को सुनाई सुनी नहीं सकते। इसलिए जो सुन रहे वो थोड़ी बात है, तो अंदर से अनुभव करो, आत्मा से अनुभव करो, आत्मा बहुत कुछ अनुभव कर सकती है। और ये आत्मा भी परात्मा जैसा अनुभव करती है उतना तो नहीं कर पाएगी। इस बात को समझना चाहिए। श्रवण गुण गंज क्यों कहूँ, श्रवण के गुणों का, गंज का तात्पर्य अपार गुण, उनको क्या बताएं उनके विषय में। जाके तावे हुए कई गंज, उनके अधीन तो ऐसे अपार गंज है, ऐसे अपार गुण है। इन गंजों गुण सुख सो जान ही, इन अपार सुखों का, अपार गुणों का सुख तो वही समझ सकते हैं जिन बकाह का समझ है, जिनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की समझ है। पूर्ण ब्रह्म को जो समझते होंगे वो उनके गुण को अवश्य समझेंगे। गुण एक अंग कहो न जावही, इसलिए उनके एक अंग के गुणों का भी वर्णन नहीं हो सकता है। जो देखो देलधारा, यदि इसको आप हृदय पूर्वक विचार करेंगे तो पता चलेगा। तो गंजा लेखे अपार के, अब ऐसे तो अपार विशेषताएं, असंख्य विशेषताएं हैं। सुख कहूँ क्यों करा, तो उसमें से प्राप्त सुख उसका क्या वर्णन करें, वर्णन ही नहीं हो सकता है। ए जब देखो गुण श्रवणा, इन गुणों को जब श्रवण गुणों को देखते हैं, जानो कोई नहीं इन सर्वर, इसलिए उसके समान दूसरे तो है ही नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि उसका कोई पारावार नहीं है ना, इसलिए। तो हम तो उतने तक ही समझते हैं, उस समय दूसरे का ख्याल ही नहीं आता है। सहुर करो एक गुण सुख, एक गुण के सुख पर जरा विचार करो, उसको समझ लो, तो जाए निकस उम्र, तो पूरी उम्र बीत जाएगी उसको समझने जाएंगे तो फिर तब भी पूरा नहीं होगा। ताथे सुख और अंगों के, इसलिए और अंगों का सुख, सो भी लिए दिल चाहे, लगता है कि दिल को उस और भी तो सुख मिलना चाहिए, इसलिए इतना ही वर्णन करते हैं। ये तो एक वर्णन की शैली है। देखो पूरी उम्र बीत जाएगी तो भी बता नहीं पाएंगे, तो इसलिए अब इतना ही बताते हैं, अब और सुख के तरफ जाते हैं। ना तो श्रवण तावे कई गंज हुई, अन्यथा मात्र एक श्रवण इंद्रिय के अधीन भी ऐसे अपार सुख हैं। ताको एक गुण दिल न समाए, उनका एक गुण भी हृदय में समा नहीं पाता है। ए सुख बिना हिसाब के न जाने मोमिन दिला रस, तो ये सुख हैं हिसाब बिना के असंख्य हैं, और जो जिनका हृदय परम धाम है ऐसी ब्रह्मात्मा ही समझ सकती है। ए रस जिन रूहों पिया सोई जाने रस अरस परस, तो जिन आत्माओं ने इस रस का आस्वादन किया है वही एक दूसरे को इसका गुण भी बताती है और उससे समझ भी पाती है। जो देखो सारी कुदरत सो भी इन श्रवण की बरकत, अब पूरा सामर्थ्य को देखें तो ये सारी सृष्टि है, ये सारी सृष्टि ये भी इन श्रवणों की विशेषता है, श्रवण इंद्रिय से ही ये सृष्टि हुई है, मतलब पूरी सृष्टि का मूल कारण इतना ही है।
जो विचार करो इन तरफ को तो देखो सब में यही सिफत, तो इस पर विचार करोगे तो लगेगा सब में इसी प्रकार की विशेषता है, सब गुणों में इस पर विचार करेंगे तो पता चलेगा। जो सौर कीजिए आकाश सिफत है, अक्षराते धामधनी की महिमा पर विचार करेंगे तो ये तो हक वका श्रवण, ये तो मात्र श्री राज्य के श्रवण इंद्रिय की विशेषता बताई है। ये सुख क्यों आवे सुमार में, उसका भी कोई पारावार नहीं है। कछो लिया दिल अर्श मोमिन, तो ब्रह्मात्माओं ने अपने दिल में उसका थोड़ा सा अंश धारण किया है, उसका पारावार ही नहीं है। जेता सहुर जो कीजिए, जितना सहुर करते रहेंगे समझते जाएंगे सब सिफतें, सिफत बढ़त एक के बाद दूसरे वो गुण की महिमा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाएगी। जो कदी आई बोए इसका उसमें थोड़ी सी भी सुगंध प्राप्त होगी तो जो मुख न हरफ कड़त, तो फिर इस मुँह से कोई शब्द बोले नहीं जाएंगे बस। तो प्रेम में रसमगन भाई सो क्या गावे, ऐसा हो जाएगा। कौ हुकुमे महामत मोमिनो, महामति कहते हैं हे ब्रह्म आत्माओं, श्री राज्य के आदेश से ही कह रहे हैं। क्यों कहे जाए गुण कानन, कान श्रवण इंद्रिय के गुण बताए जा सके ऐसे नहीं है। जाके तावे कई गंज सागर, उसके अधीन तो अनेकों सागर भरे पड़े हैं। इस सुख सह सके हर सके ताना, उस सुख को तो परमधाम की परात्मा ही उन सुखों को समझ सकती है, ग्रहण धारण कर सकती है, बाकी तो उनको धारण नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से वो विशेषता है, उसको समझना चाहिए, ये समझ बताइए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ए सुख से सके हर सके तन, कहे हुकमे महामत मोमिनो, क्यों कहे जाए गुण कानन, जाके तावे कई गंज सागर, ए सुख से सके अर सके तन, ए सुख से सके अर सके तन, ए